गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस साइड साक्षी धंजल. और मैं पूरे ब्लॉग कर रही हूँ, मतलब इतने दिनों बाद. एंड बेसिकली मैं जा रही हूँ सिक्किम की ट्रिप के लिए. मैंने अभी पापा से रिक्वेस्ट करी है गाड़ी निकालने की, क्योंकि गाड़ी फिर जा रही है महीने भर के लिए. एंड इट्स नॉट गोना बी देयर. एंड आज मेरा को पार्टनर, मेरा ड्राइविंग पार्टनर मेरे साथ राकेश है. एंड इट्स गोना बी अमेजिंग. मतलब 3 दिन का सफ़र है, अराउंड 1 दिन 4 घंटा. मैं चूज़ करने वाली हूँ आगरा वाला हाईवे. सो नहीं, आगरा में अब नो मोर पागल खाना इज देयर, सो डोंट बी एक्साइटेड अबाउट पागल खाना एंड ऑल. सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. मम्मी, क्या आपको पता है कि 1 दिन और 4 घंटे का रास्ता है? मतलब कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? मजे करोगे? मजे तो करेंगे, बट कितने दिन लगेंगे पहुंचने में? 1 दिन 4 घंटे. 1 दिन 4 घंटे? हाँ, 1 दिन और 4 घंटे का रास्ता है. मतलब 24 + 3 घंटा 27 घंटे का रास्ता है. पापा, 27 घंटे का रास्ता कितने दिनों में कवर होता है? 12-12 घंटे. हाँ, 12-12 घंटे 1 दिन में निकलता है. अच्छा, तो 12-12 24 हो गया. 24 यानी 3 दिन तो लग ही जाएंगे. तीन दिन वही आराम से चलने. हाँ, क्योंकि रास्ता नया है ना. चल, सो मैं चढ़ चुकी हूँ आगरा एक्सप्रेस वे में. मतलब अभी चढ़ूंगी क्योंकि अभी वो कटेगा टोल. एंड स्टिल इट्स लाइक 1 डे का पूरा 4 घंटे का गेट. मुझे लग रहा है रूट ही नहीं खत्म हो रहा. एंड लेट्स सी कहाँ तक गाड़ी पहुँचती है. ऑल्दो मेरा लखनऊ तक का प्लान है वापस. मतलब मैं जब कर्नाटका भी जा रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरा यही रूट था. मैंने यहीं से स्टार्टअप किया था. एंड जिन कपड़ों में मैं आज, मैंने वही कपड़े पहने हुए थे. सो फाइनली द स्टॉपिंग पॉइंट ऑफ द डे. मतलब हम सुबह 8 बजे निकले और 11 बजने वाले हैं. आई नो वी हम लेट निकले हैं जस्ट बिकॉज वी वर स्लीपिंग. नींद पूरी कर रहे थे तब भी नींद नहीं आई एक्साइटमेंट के मारे कल रात को. सो आई आस्क्ड और राकेश पिक अ कॉफी एंड प्लीज सर्व इट होम अस जस्ट बिकॉज आई एम ऑन द डे, आई एम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड्स टुडे. नॉट इन मूड टू डू एनीथिंग. वॉशरूम में आधा घंटा लग गया यार. आई होप लड़कियाँ समझ सकती हैं बट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से. लेट्स सी राकेश ने क्या पिक किया है. सो वी विल गो विद द कॉफी एंड द सबवे. दोनों तो हाथ में आएंगे नहीं, मुझे राकेश को मिलाना पड़ेगा. राकेश, राकेश एक चीज़ बताओ मुझे, तुम्हारे कानों के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये पकड़ो. अब बुला रही थी बहुत बार. यहाँ पर शोर कितना और दूर कितना. अच्छा, तुम इतने से दूर थे पता है, सिर्फ इतने से. डिस्टेंस चेक करो. और यहाँ हुआ है हमारा NH चेंज. और अंकल, मैंने देख लिया था आपको. तो यहाँ हुआ है हमारा NH चेंज. और NH ये है आगरा लखनऊ हाईवे. और ये आगरा के पूरे आउटर साइड से निकलता है. मतलब ये बेसिकली हमारा हाईवे चेंज हुआ है. हमारा NH एनी तो नहीं, ऑब्वियसली पीछे एनी था. तो अभी भी लखनऊ कम से कम 5-5.5 घंटे का रास्ता है. और अभी तक मेरा वो 1 दिन कम नहीं हुआ. मतलब मैं कभी भी जब निकलती हूँ ना, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा 1 दिन मतलब इतनी जल्दी कम क्यों नहीं होता. राकेश, तुम्हें क्या लगता है? हम 12 घंटे मतलब 24 घंटे मतलब 25 घंटे दिखा रहा है अभी भी रास्ता. मतलब हम एक निकले हुए कितनी देर हो गई है जो 24 घंटे रास्ता दिखा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है. 24 नहीं 25. तुम्हें पता, हम 8 बजे से निकले हुए, 12 बज रहे हैं, फिर भी हमें 24 घंटे मतलब वो 25 घंटे कम नहीं हो रहे. मुझे कभी भी डिस्टेंस का ये चीज समझ नहीं आती ऐसा होता क्यों. 27 घंटे थे. कैसे? मतलब हमारे पास पूरा मतलब 24 तो 1 दिन हो गया, ठीक है, ऊपर 4 घंटे थे. 1 दिन 4 घंटे. हाँ, अच्छा, हाँ, 28 घंटे तो फिर 28 घंटे नॉट 29. मैं 27 समझ रही थी. आई एम बैड एट कैलकुलेशंस. मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, आई एम रियली बैड एट कैलकुलेशंस.
बाइक लेकर ही वॉज सजेस्टिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग ही इज फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड इज एक्चुअली ही यूज टू फॉलो मी तो उसने बहुत सारी सजेशन भेजी दैट आई एम गोना शेयर यू फॉर श्योर एंड आई एम गोना शेयर द नेम एज वेल. अभी फिलहाल गाड़ी चलाते हैं ध्यान से नहीं तो आधे लोग नीचे लिख लेंगे कि मैडम गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया करो. सो अभी पेट्रोल लग चुका है हमारा सेकेंड टाइम क्योंकि मैं पहले डलवा चुकी थी अराउंड 2,800 का. अभी 3,000 का और लग चुका है. और हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है, एक्सप्रेस हाईवे है ना आई गेस ये तो, बट कौन सी एग्जैक्ट जगह. अब तो ये लखनऊ का एक्सप्रेस हाईवे है. हाँ नहीं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे चेक करो तुम अपने गूगल मैप्स पे. मैं वॉशरूम सर्च करती हूँ जब तक. 22 घंटे मतलब 22 hours 30 minutes का रास्ता दिखा रहा है. इट मीन्स कहीं ना कहीं मतलब बहुत रास्ता पार हुआ है. हमने गाड़ियाँ भी रोकी, सिर्फ पेट्रोल पम्प थी लास्ट और उसके बाद हमने गाड़ी रोकी नहीं, हम कंटिन्यू चला रहे हैं. एंड हमने एक्सचेंज किया था बीच में बट आज इसके पैरों पे कुछ दिक्कत आई है, इसके घुटनों में आई डोंट नो क्या आई हुई है. हाँ बस बता दो यहाँ पेन है बोल दो लोगों को. सो यू नो इसको पेन आई हुई है अभी घुटनों में एंड द थिंग इज वरना 1.5 kilometer ये चलाने वाला था. अभी भी मैं लखनऊ और ये आपका आगरा एक्सप्रेस वे पर ही हूँ. सो मतलब ये ना पूरा खाली सा रूट है, इसमें मतलब तुम लोगों को गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं मिलेगी मगर ना आसपास तुम देखोगे ना तो खेत वगैरह ज़्यादा दिखेंगे जिसकी मतलब लिमिट स्पीड लिमिट 100 है. और क्या कहते हैं कैमरा आराम से, और क्या कहते हैं बेसिकली आज लखनऊ से कुछ आगे रुकने का प्लान है तो ऑब्वियसली आज का होटल कुछ खास नहीं होने वाला. इट जस्ट लाइक कि आज रात स्पेंड करनी है सो इट्स गोना बी वेरी बजटेड होटल. सो कौन कौन लखनऊ से मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी पता हो यार कहाँ कौन कौन मेरे व्यूअर्स से लखनऊ में है. और जहाँ तक कि सिक्किम पहुँचने की बात है तो कल नहीं बट बने रहो, मैं बताती हूँ सिक्किम कब तक पहुँचूँगी. ऑब्वियसली 2 दिन तो मैंने बोला ही बोला है. सो और क्या बोलूँ, भूख लगी है बहुत तेज, कुछ खाने के लिए ढूंढेंगे हम, बात करती नहीं करी. सो गाइस हम लखनऊ पहुँच गए हैं नवाबोगा सिटी और हमारा मतलब 2 रास्ते कटे, एक वेस्ट बंगाल के लिए एक लखनऊ के लिए. मोहन आई गेस मोहन लिखा हुआ था ना, मोहन जा रहा था राइट को और लखनऊ जा रहा था लेफ्ट को. तो हमने लखनऊ का रास्ता लिया है, वेस्ट बंगाल का रास्ता सेम मतलब बराबर ही पड़ता है ऑलमोस्ट. तो आधे में मेरा प्लान ये है, हम लोगों का प्लान एक्चुअली कि हम वेस्ट बंगाल के रास्ते से आएंगे और अभी भी हमारा रास्ता सिक्किम का बहुत बचा है. बट मुझे इतना नहीं था कि हम मतलब हम इतनी जल्दी लखनऊ पहुँच जाएंगे. बेसिकली हमें ट्रैफिक नहीं मिला और हाईवे सच में बहुत अच्छे थे जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी लखनऊ नवाबों के शहर हैं. सो मैंने पूछा था कौन कौन लखनऊ से, शायद आप लोग कमेंट कर चुके होंगे. और रोडी राइडर करके है प्रोफाइल जो ऑलरेडी बना दिल्ली से इस वक्त असम की तरफ है, मतलब सिक्किम और असम पूरा कवर कर रहा है. तुम बोल सकते हो पीछे रोनी, रोनी अच्छा रोनी राइडर, ओके इट्स नॉट रोनी राइडर एक्चुअली. तुम बोलते क्यों नहीं हो बाय द वे कभी कभी, क्या नाम है राकेश क्या ही बोलो अच्छा तुम लखनऊ आ चुके हो राकेश? नहीं बट आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हियर एंड आई एम गोना कॉल देम. तुम्हारे दिल तुम्हारे पूरे इंडिया में फ्रेंड्स हैं, मुझे कभी-कभी ऐसा फील कर मुझे ऐसा फील होता है मैं जहाँ भी बिजनेसमैन के कहाँ नहीं हो सकते. तुम चुप हो जाओ, तुम ज्यादा मत हो हवा में, बंद करो. सो गाइस मैं पहुंची हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी एंड यहाँ पे दूर दूर तक आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, कोई होटल नहीं है, कोई भी मतलब ढाबा डूबा भी नहीं है, कुछ खाने की जगह नहीं है, सिर्फ सुनसान रोड है बिल्कुल खाली टाइप्स. लद्दाख की रोड है कि फील दे रही है ये मगर इस टाइम पे आई एम जस्ट गेटिंग लद्दाख. अपनी जगह बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर पहाड़ी 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 टाइप ऑफ एरिया बट रोड्स बहुत सेक्सी हैं यहाँ की. लटका सो रहा आज पूरा दिन नहीं सोया. खैर अब आई एम टायर्ड लाइक आई विल स्टॉप टू सम प्लेस अगर मुझे कुछ नज़र आता है तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज. गाइस पता है इस रास्ते की सबसे खतरनाक बात, यहाँ पे कोई होटल या कोई स्टे नहीं है. ये जगह पे अगर आप पेट्रोल पंप या फंस जाते हो ना यहाँ कोई नहीं है. सो पता है आपको इस चीज़ की तैयारी करके आनी पड़ेगी. इवन हम गाड़ी में अभी 2 मिनट के लिए रुके हैं कुछ निकालने के लिए क्योंकि आपको जैसे ही पता है राकेश के पैर में दर्द है तो गर्म पट्टी निकालने के लिए. एंड यू नो आपको दूर दूर तक ना ऐसी जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ दिखाई देगी. एग्जैक्टली मतलब ये रास्ता इतना सुनसान है कि
सिर्फ गाड़ियां आ रही हैं, बट नो पेट्रोल पंप नथिंग. मतलब यहाँ इस NH पे चढ़ने से पहले फाइनली कुछ घंटों बाद की कहानी और हमें कुछ खाने को मिला. आई एम डेस्परेटली हंग्री, उल्टी साइड से सारी चीज़ें खा ली. अब कुछ खा लो और देखते हैं क्या है यहाँ पे. पैटी खाऊंगी मैं, ये भी उल्टा सीधा ही होता, क्या करेगा इस ट्रैवल. पता ये चीज़ बहुत होती है, मुझे लगता है कि कभी इंडक्शन लेके ट्रैवल करो, बट कैसे उस गाड़ी में बनाओगे या फिर पूरा का पूरा वो लेके ट्रैवल करो. गैस एक दिन फाइनली द सादा खाना. अचार भी नहीं है, अचार पूछा कल उद्घाटन, कल उद्घाटन अचार तो होगा. अच्छा ये कल उद्घाटन में भी शॉप है. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिस मतलब पैराफिलर से मैं निकल रही हूँ वो भी नया बना है और उस पर कोई पेट्रोल पंप नहीं है. तो हम कुछ किलोमीटर नीचे आए हैं, कुछ 5-6 किलोमीटर पेट्रोल डलवाने के लिए. एंड दिस इज सेकंड टाइम तो मैं टैंकीज फुल करवा रही हूँ. मतलब दिस इज एक्चुअली थर्ड टाइम. पहले मैंने 1000 रुपये का मेरे 1500 का मेरी टैंकी में था, 1500-1600 का मेरी टैंकी में था क्योंकि मैंने 2500 की करवाई थी फुल. और सेकेंड टाइम मैंने 3000 की कराई और आई गेस इस बार भी कुछ नहीं. कितने का रेट है वही 3000 रुपये कटेगा. आई एम प्रीटी श्योर. शर्त लगाओ चलो 500-500 की और भी कम. 500 की शर्त तो लगाओ. ऑटो कट लग गया. बेड भी नहीं लगाते हैं लड़का आपको डर के मारे. सो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ बिकॉज हम लोग आज पहुँचने नहीं वाले हैं एंड हम लोग रास्ते में रहने वाले हैं. वी टुक अ नैप एक्चुअली एंड मतलब ये रास्ते में ना आपको मोटल मतलब आई मीन होटल्स नहीं मिलेंगे एंड कुछ स्टे का नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा वो चीज़ देखनी पड़ेगी आप लोगों को. सो सी यू टुमारो एंड होपफुली मैं कल कहीं पहुँची होंगी एंड आई शो यू द वे. अभी तो मैं बहुत दूर हूँ सिक्किम से स्टिल क्योंकि रास्ता ख़राब हो चुका है मेरा, एक्सप्रेस वे जा चुका है पूर्वांचल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बींग हेयर एंड स्टे हेयर फॉर द सिक्किम.